नमस्कार दोस्त, तो स्वागत है आपका लोबोस्टर चैनल पे, जहां पर हर बार की तरह आपको इस बार भी जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद कंटेंट देने की यार मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे विचित्र अजीबोगरीब और ऐसे हैक्स के बारे में जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। मतलब सोचा है तभी तो है ना, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते हैं। जो लोग जिनका दिमाग अलग ही स्थिति में जब दौड़ता है, सिर्फ वही लोग इन हैक्स के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ हैक्स। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, ये लोग टूथपेस्ट को गाड़ी के नीचे लेके आ रहे हैं। इन लोगों ने टूथपेस्ट में नमक है वाले ऐड को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया ना कि गाड़ी के टायर में जितनी गंदगी और नमक था पूरा टूथपेस्ट में लिया और मुंह में लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। पर आप लोग डोंट वरी, चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं आप लोग को एक नया तरीका बताता हूँ, और देसी तरीका, जिससे कि आप लोग टूथपेस्ट को आराम से निकाल सकते हो। आइए उसको देखते हैं। अब यार ये कोई हैक होती है? हाँ, ये लोग सलमान खान बनने की कोशिश करते हैं, चीजों को गाड़ियों के नीचे लेके आते हैं। अब जो लोग रेफरेंस समझे उनके लिए बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं समझे वो लोग कमेंट में दूसरों से पूछ लेना। अब दोस्तों यार मेरे को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है टूथपेस्ट, जो कि इन लोग के तरीके से तो गाड़ी के नीचे से निकाल लो, लेकिन हम लोग तो देसी लोग हैं ना यार, हम लोग घरेलू चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो आओ उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ऑब्वियसली टूथपेस्ट तो चाहिए ही होगा, और एक चाहिए बेलन जिससे बहुत लोग को पड़ी भी होगी, और जो तीसरी चीज चाहिए वो टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर कुछ भी चलेगा। बस ये इसलिए कि कोई जो टूथपेस्ट अगर गिर जाए तो नीचे ना गिरे, मतलब समझे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब यार मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुम लोग को कि अगर तुम लोगों से नीचे गिरा और तुम लोग को मार पड़ी तो यार इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम लोग अपना काम खुद ही देखना, ठीक है। मेरे पास मत आना कि भाई तुम्हारी वजह से हमको मार पड़ गई। अब यार मैंने ऐसे एंगल पर रखना कि टूथपेस्ट जब गिरे तो सीधा इस पे ही आए, ठीक है। इसलिए मैंने टूथपेस्ट मतलब ये टिश्यू पेपर लगा के रखा है। ओके अब रेडी करते हैं। अभी टूथपेस्ट को एकदम 90 डिग्री पर रखो, जैसे परपेंडिकुलर बन जाए, और ये 90 डिग्री का एंगल देखो क्या परफेक्ट बन रहा है ना, ऐसे ही करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। एकदम परफेक्ट मेरी तरह करना, मैं बता दे रहा हूँ। ओके रेडी, अभी बेलन को रखो एकदम ऐसे सीधे। अभी दोस्तों बड़ी ही जेंटली कर दीजिएगा, हाँ इतना भी गुस्सा मत निकाल दीजिएगा, वरना नुकसान आप ही का है। मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है अभी अभी। तो देखिए ऐसे जाइए और प्रेशर लगाइए खूब, और एकदम हल्के ये देखो ये कितना बढ़िया निकला है, और जैसे ही आया ना ये देखो कितना अच्छा निकला ना, तुम्हारे भाई ने निकाल लिया ये देखो। अब यार दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने कितने बढ़िया तरीके से और देसी तरीके से टूथपेस्ट निकाल लिया। यार आप लोग भी ऐसे कर लेना, जब भी आपका टूथपेस्ट खत्म होने वाला हो तो आराम से, यार गारंटी है कि 10 दिन तक तो चली जाएगा। मतलब अब दोस्तों आप लोगों ने देखा ये क्या था, इतना टाइम लोगों ने सेटअप करने में, पूरा डिब्बा विब्बा लाने में, ब्रिक्स व्रिक्स लाने में इन लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया, और ऊपर से इतना आयन वायन लाए, पूरा एल्यूमिनियम लगाया, और फिर जाके ब्लो ड्रायर से या हेयर ड्रायर से इन लोगों ने अपना पिज्जा गर्म किया। मतलब ये आलसी लोग अगर मतलब थोड़ा सा चल के जाते अपने किचन में और माइक्रोवेव या ओवन में जाके गर्म कर देते तो क्या चला जाता। अब मेरे को पता है कुछ लोग जाके बहुत इंटेलेक्चुअल बन के कमेंट करेंगे अगर कि यार माइक्रोवेव में मतलब मान लो ना हो तो भैया आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ है वही नहीं है आपके पास। और ठीक है मान लो नहीं भी है, तो यार हमारा देसी तरीका है ना यार, हमारी मम्मी तो रोज करती हैं ऐसी चीज़ें कि पैन लिया या तवा लिया उस पर जाके गर्म कर दिया। अब आप ही बताओ ये लाइफ हैक्स है कि वेस्ट ऑफ टाइम हैक्स है।
यार ये वाली लाइफ हैक ना मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी लग रही है। चलो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करती भी है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों। तो यार आप लोग देख ही रहे हो कि मैं ये चश्मा टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? तो यार ये चश्मे से ना मेरे को कुछ दिख तो रहा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो चश्मा है ना, मैं देख रहा हूँ कि अंधा आदमी भी इसको पहने ना तो अगले जन्म में भी वो अंधा ही रह जाए, और जिसकी आँख अच्छी है उसको तो वैसे ही भी ना दिखे। अब मैं बता रहा हूँ कि अभी आई हेलो थिंक विंडो हेलो हमारा भाई इस तरफ साहब। है, विंडो हमारा इस तरफ मतलब जो है बालकनी के आके देखते हैं। अरे हेलो भाई साहब, इधर है कैमरा, कैमरा इधर है? है, अच्छा इधर इधर अच्छा किधर है? इधर 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 है भाई साहब। आ भाई किधर? साहब, ओके मैं सच ओके। बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी। किधर है विंडो? इधर है हाँ, इधर? ओके 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 ओके। यार मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी। एनीवेज दोस्तों, आप लोगों को मैं नेक्स्ट मिलता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब यार ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि मैकबुक का उपयोग करने का। हाँ आप काम वाम मत करो उस पे। छी, मैकबुक काम करने के लिए कौन लेता है? मैकबुक तो लोग दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं, कंघी झाड़ने के लिए लेते हैं, और ऐसे ही घरेलू काम करने के लिए लोग लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप मैकबुक लेना तो उससे ये मत पूछना कि इसमें क्या प्रोसेसर है क्या है। अब ये पूछना कि इसमें कैमरा क्वालिटी तो अच्छी आती है ना, क्योंकि मेरे को दाढ़ी शेव वेव करना है, समझे? अबे साले, मतलब दोस्तों अगर आपको स्किन की कोई भी बीमारी है, डॉक्टर के पास तो जाना ही मत, और ना ही ये क्रीम वीम लेना। लेना पता है क्या? टूथपेस्ट, और उसको लगाना अपने चेहरे पे, क्योंकि यार टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है ना जो आपकी हड्डी टूटी हुई ना उसको भी ठीक कर देता है। मतलब इन लोग डॉक्टर तो मतलब कितना फालतू में हमसे ले लेते हैं पैसा। सीधा खरीदो 100 रुपये, मैक्सिमम कितना 80 रुपये का कोलगेट आता है, उसको लो और बस मुंह पे लगा लो। आपकी स्किन क्या, आपकी सारी जिंदगी की सारी दुविधाएं कम हो जाएंगी। टूथपेस्ट एक ऐसा शक्तिशाली सामान चीज जिससे कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। आपको खून निकल रहा है, टूथपेस्ट लगाओ। हड्डी टूट गई है, टूथपेस्ट लगाओ। पेंट कहीं लग गया है कपड़े पे, टूथपेस्ट लगाओ। आपका आयन खराब हो गया है, टूथपेस्ट लगाओ। अब आप खुद ही सोचो यार, टूथपेस्ट के कितने उपयोग हैं। जिसने भी टूथपेस्ट बनाया है ना यार, सही आदमी है यार। मैं तो कहता हूँ हम लोग फालतू में इतनी चीजें खरीदने जाते हैं कि यार इससे ये लेंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा, इससे ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हम लोग सीधा टूथपेस्ट क्यों नहीं लेते यार? मतलब यार देखा आप लोगों ने, एक अच्छी खासी ग्लू और एक आई गेस आई होप सो कि एक अच्छी खासी पेन ड्राइव को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। मतलब पहली बात तो ग्लू वेस्ट किया, उसके बाद उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ग्लू डाला, ऊपर से एक जो पोर्ट होता है उसको लगाया और लैपटॉप के अंदर घुसा दिया। लेकिन काम क्या है इसका? पेन ड्राइव तो चलेगी नहीं, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि यार ये माउस वाला भी तो हो सकता है ना, कि जो माउस का लगा रहता है। तो यार ठीक है, माउस का अगर वो हुआ तब भी तो फायदा क्या है, इतना बड़ा कौन लगाता है? और सेकंड थिंग कि वो माउस का नहीं है, वो एक पेन ड्राइव का ही है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 16 GB इफ यू लुक क्लोजली। आप लोग पीछे जाके फिर से देख लेना, या तो मैं एक फोटो लगा देता हूँ, ठीक है? तो आप खुद ही सोचो ये वेस्ट नहीं हुआ ये। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन तो बिल्कुल बजा देना ताकि आपको फ्यूचर के सारे वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। और हाँ, अगर आप लोगों को ये लाइफ हैक्स कुछ काम की लगती है
या आप लोगों को कभी ये काम आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाय बाय।